हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आपका सवाल है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में कि क्या इसमें जो हमारा विजन धीरे धीरे लॉस हो रहा है तो आगे चल के कि ऐसा तो नहीं बिल्कुल विजन खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है या फिर किसी किसी में टीन एज में भी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे इसमें विजन लॉस होता है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें विजन पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा। ये डर और टेंशन अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। बहुत सारे लोग दूसरों को भी सलाह ये देते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपका विजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम एक बहुत ही स्लो प्रोसेस वाली प्रॉब्लम है या डिसीज है जिसमें कि धीरे धीरे विजन लॉस होता है, एकदम से नहीं होता। लेकिन ट्रीटमेंट की दिशा में डॉक्टर बहुत सारी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी आने वाली हैं और कुछ थेरेपीज भी हैं जिनसे इस प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। बट सवाल ये आता है कि क्या ये प्रॉब्लम कभी सही नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है बिकॉज नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। कुछ हॉस्पिटल भारत में ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल नॉलेज को स्प्रेड आउट करते हैं और अगर आप वहां पर एक बार विजिट करते हैं तो आपको वहां से करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये संस्थान कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पर है जो भारत में इस समय सबसे टॉप माने जा सकते हैं, जो कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम पे बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आई थिंक सो कि ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ से आपको जो सलाह जो एडवाइस मिलेगी वो और कहीं से नहीं मिलेगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अब तीन तरीके हम मान सकते हैं। पहला तो ये है कि अच्छी हेल्दी डाइट, एंटीऑक्सीडेंट और फूड सप्लीमेंट को बढ़ाकर, दूसरा है कुछ थेरेपीज को अपनाकर, और तीसरा जो महंगा है वो है स्टेम सेल थेरेपी या फिर आने वाले समय में जीन थेरेपी, लेकिन वो इतना महंगा है कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके एक इंजेक्शन की कीमत कई करोड़ रुपए है, तो वो कब कॉमन लोगों के लिए नॉर्मल प्राइस में अवेलेबल होगा नोबडी नोज, वो तो वक्त ही बताएगा। बट हम जो नॉर्मल वे में इसको माने तो हमारे लिए जो स्टेम सेल थेरेपी है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो अभी कन्वीनियंट प्राइस में है। बट अगर आपका सवाल अभी है कि स्टेम सेल थेरेपी में इसकी क्या कॉस्ट है, तो वो अभी मुझे भी क्लियर नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये आपको कॉस्ट स्टेम सेल सेंटर से ही क्लियर हो पाएगी जब वो आपकी जांच करेंगे, उसकी पोजीशन देखेंगे, उसके बाद ही वो आपको बता पाएंगे कि इसकी कितनी कॉस्ट लगेगी। बट इसके अलावा भी आई एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, योगा का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है आई के विजन को इंप्रूव करने में। तो बहुत सारे लोगों ने आई एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उस एक्सरसाइज को बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि हम उसे कर नहीं पा रहे, आंखों को सही से रोटेट नहीं कर पा रहे, आंखें सही से हमारी घूम नहीं पा रही। तो देखिए, इसका मैं वीडियो एक स्पेशल अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं खड़े होकर आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा कि आपको एक्सरसाइज करनी कैसे है। मैं एक दूसरे पेशेंट को सामने बैठाऊंगा या किसी को कॉमन पर्सन को, और उसको वो एक्सरसाइज करा के दिखाऊंगा जिससे कि आप सीख सके कि आखिर अगर आप एक्सरसाइज घर पे कर रहे हैं तो उसको करना कैसे है। बिकॉज आई एक्सरसाइज करना भी अपने आप में कोई आसान काम नहीं है, आंखें घूमती ही नहीं है, टेढ़ी बेढ़ी इधर से उधर आंखें जाती हैं और राउंड में सही से वो घूम नहीं पाती, या फिर जिस एंगल में उनको घूमना चाहिए उस एंगल में वो नहीं घूम पाती, तो इसीलिए उसका सही फायदा भी आपको नहीं मिलता। बट इस एक्सरसाइज को मैं अपने व्लॉग चैनल पर अपलोड करूंगा जिससे कि आप वहां पर इसे फनी तरीके से देख भी पाए और अच्छे से इसे कर भी पाए। उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आप उस चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही उसमें वीडियो अपलोड होगा वो आई एक्सरसाइज का फनी वीडियो, तो आप उसको देखकर आई एक्सरसाइज करना जरूर सीखें। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं या आपको दूसरे क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, यहां से आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीडियोस मिल जाएगी जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। नेटवर्क के साथ टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।